Brighto Paint presents Sawal Cricket Ka. Ji haan, ye hai Sawal Cricket Ka. This game show that we're presenting to you will be a few episodes long, and it's all about the Pakistan players off the field, getting to know them and doing a bit of trivia with them. Kuch cricket ke sawal bhi unse karenge aur thoda sa ek fun segment bhi hai, us pe bhi hum thoda sa jo hai kaam karenge. Lekin hum chahte ye hai ki aap isi tarah jo hai hamare sare episodes dekhte rahe aur aaj hamare pehle episode mein jo hamare do players hamare saath hain unko kisi taaruf ki zarurat nahi hai. Un dono mein ek aisi cheez common hai jo ki Pakistan historically dekhta aa raha hai aur wo hai pace. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद आमिर एंड वहाब रियाज. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है आपका? हाल अच्छे, इसलिए बैठे हुए. आप तो गर्मी की कंप्लेन कर रहे थे दो मिनट पहले. लेकिन अब अच्छा हो गया ना, शो स्टार्ट हो गया. और वहाब, आप बताइए कैसा महसूस? बस अब ठीक लगा. कैसा है सब कुछ, कैसा जा रहा है दुबई की गर्मी? इंजॉय कर रहे हैं? गर्मी नहीं इंजॉय कर सकते, गर्मी नहीं इंजॉय कर सकते. क्या क्या किस तरह, वैसे इस गर्मी को दूर किस तरह रखते हैं आप? कमरे में रह के एसी वाले. अच्छा चले, मैं आपसे ये बातें तो बाद में होती रहेंगी, लेकिन ये शो का फॉर्मेट थोड़ा ऐसा है, इट्स अ लिटिल बिट ऑफ लाइक मतलब फन सेगमेंट्स हैं, कोई इस तरह ये नहीं है कि हम यहाँ पे सीरियस हैं, लेकिन कंपटीशन है, उसको कंपटीशन की तरह प्लीज लें और सुने. बिल्कुल, ये देखें, ये हाथ भी मिला रहे हैं, ये फुल यहाँ पे जो हो रहा है यहाँ पे, यानी कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट टॉस से पहले हाथ मिलाते हैं, तो पहले ऐसे करते हैं. हाँ, ये यानी ये हल्का ना लिया एंड में जब आप हमें. ये जो पहला हमारा सेगमेंट है, इट्स कॉल्ड पावर प्ले, और इसमें बेसिकली ये होगा कि मैं आमिर ज्यादा बॉलिंग करता. इसमें तीन सवाल जो है, तीन सवाल आमिर से होंगे, तीन सवाल वहाब से होंगे. एक एक पॉइंट आपको मिलेगा सही जवाब पे, और हमारे स्कोरर भी हैं जो कि सारे स्कोर और पॉइंट्स नोट डाउन कर रहे हैं. एंड उसके बाद एंड में जो है, जो जीतेगा उसको ब्राइटो पेंट्स की तरफ से एक पेंट का डब्बा मिलेगा अपने घर के लिए. तो अगर अपना घर आपका नया बन रहा है, खाली नहीं होगा, पूरे घर को आप उसे पेंट सजाएंगे उससे. हाँ, बिल्कुल. एनीवेज, आमिर, are you ready? अच्छा जी, मुझे बिल्ली का बकरा बना रहे हैं. हाँ, Who is the second most successful ODI captain of Pakistan? पाकिस्तान का second most successful ODI कप्तान कौन है? Option A, वकार यूनस, वसीम अकरम, मिसबाह उल हक या मोइन खान. वकार यूनस. Second most successful ODI captain of Pakistan. वकार यूनस, वसीम अकरम, मिसबाह उल हक या मोइन खान. सीरीज जीतने पे, मैचेस जीतने पे. ओवरऑल ना? ओवरऑल कैप्टन. मेरे ख्याल में वसीम अकरम. ये जवाब जब आप दे रहे थे तो क्या सोच रहे थे? क्योंकि यार कैप्टन भी बहुत ज्यादा रहे और विनिंग रेशियो भी उनकी काफी रही है ओडीआई में, जहां तक मुझे याद पड़ता है. बढ़िया, आपकी अच्छी याददाश्त है, क्योंकि ये सही जवाब है. Who was the player of the match in the final of the 92 cricket world cup? जावेद मियादाद, वसीम अकरम, मुश्ताक अहमद या इंजमाम उल हक. प्लेयर ऑफ द मैच कौन था 92 फाइनल का? हाँ, लाइफलाइन ले ले. अच्छा जी, कौन कौन बताएं सर? जावेद मियादाद, वसीम अकरम, मुश्ताक अहमद एंड इंजमाम उल हक. वैसे तो मैं, मुझे वसीम भाई लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म कर लूं, वसीम भाई. सही जवाब. सो 2-2, आमिर के दो इन दोनों आंसर्स जो है वो सही है. अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग है, व्हिच सीपीएल फ्रेंचाइज, ये आपका एक्सपीरियंस, डेड वॉटसन प्ले फॉर? ठीक है, अब मैं आपको ऑप्शंस देती हूं. 2017, यस, ओके, सेंट लुसिया स्टार्स, बारबाडोस ट्राइडेंट्स, जमैका टलावा, सेंट लुसिया एंटीगा हॉक्स. सेंट लुसिया सही जवाब. और आमिर के तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं. ऑप्शंस देने से पहले ही इन्होंने जवाब दिए. जवाब टफ कंपटीशन अब आपके लिए, क्योंकि इन्होंने तीनों जवाब जो है सही दिए. अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट विद यू. एट व्हाट वेन्यू डिड सचिन तेंदुलकर मेक हिज टेस्ट डेब्यू? सचिन तेंदुलकर ने अपना टेस्ट डेब्यू कौन से वेन्यू पे किया? ए सियालकोट, फैसलाबाद, कराची या लाहौर? आई नो, आप इसका जवाब नहीं दे सकते आमिर, यहाँ पे नहीं निभा सकते. कौन से ऑप्शंस क्या है?
सचिन तेंदुलकर ने वो समझ गया अपना टेस्ट डेब्यू कहा किया सियालकोट फैसलाबाद कराची या लाहौर सोच ले लाहौर इतना नहीं तो मसला नहीं है लाहौर तो नहीं खेले कराची भी नहीं खेले या फैसलाबाद है या सियालकोट है नहीं लेकिन आपको चूज एक करना है ना सियालकोट कर लेते देखी जाएगी तो कम आ रहा है यार आपको जवाब से बताओ ना चाहिए जवाब दिया है वो बताओ सही है या नहीं तुक्का है ये तुक्का है लाहौर और कराची भी नहीं खेले थे और फैसलाबाद में तक आमिर आपको आमिर आपको इसका जवाब आता है क्या आप आपके क्या ऑप्शन दोगे आई थिंक सियालकोट ना सियालकोट है ना फैसलाबाद है ना लाहौर है उन्होंने अपना डेब्यू किया कराची ओ तो दे दिया ना बस ठीक है अच्छा चलें कोई नहीं चांस टू रिडीम योरसेल्फ इनमें से कौन से प्लेयर ने हैज हिट द मोस्ट अमाउंट ऑफ सिक्सेस इन टेस्ट क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट में इनमें से कौन सा प्लेयर है ये तो साफ साफ फेवरेट है मैं नहीं खेल रहा मैं नहीं खेल रहा मैं जा रहा हूं अच्छा 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 लाइफ लाइन भी तो है इसका इसका जवाब आपको आएगा इमरान खान नहीं मारे यूनस खान नहीं वसीम अकरम मिसबाह उल हक छक्के ज्यादा टेस्ट मैचेस में कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने सबसे ज्यादा मारे इमरान खान यूनस खान वसीम अकरम मिसबाह उल हक मैं जाऊंगा मिसबाह भाई के साथ लेकिन मेरे शक है वसीम भाई का ये हमेशा दो ऑप्शंस देते हैं हमें ये हम सवाल क्रिकेट का में एक ऑप्शन दे रहा है यार कह दिया ना मिसबाह लॉक कर दिया जाए मिसबाह लॉक कर दिया जाए कर दिया जाए सही जवाब 81 सिक्सेस मुबारक हो वेल डन यार अच्छा ये भी मुझे लगता है आज हमें वसीम अकरम बहुत याद आ रहे हैं व्हिच वेन्यू डिड वसीम अकरम मेक हिज टेस्ट करियर बेस्ट 257 वसीम भाई ने किए थे 257 बनाया तो जिम्बाब्वे के खिलाफ था ये तो मुझे अच्छा आप उनके अगेंस्ट खेल रहे हैं या उनके साथ खेल रहे हैं पार्टनरशिप 257 बनाया था वसीम भाई ने फैसलाबाद सियालकोट लाहौर या शेखुपुरा फाइनल जवाब है क्यों ये क्यों जवाब दिया आपने मैंने देखा मैं उनको खेलते हुए मैच आपने वो लाइव देखा था तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल रहे बोल तो दिया पहले क्या दिया शेखुपुरा मैंने मजाक कर रही सही जवाब है आपका बिल्कुल अच्छा खैर एनीवे पॉइंट्स की सिचुएशन ये है कि आपके तीनों जवाब सही थे आपको तीन पॉइंट्स मिले और आपको जो है दो मिले लेकिन अभी आगे भी और राउंड्स हैं उसमें आप अपने आप को रिडीम कर सकते हैं एंड आई फील के ये राउंड काफी मजे का गया और वसीम अकरम के सारे सवाल हमने पूछ लिए लिटरली आज सारे दिए ही उन्होंने वसीम अकरम के ऊपर सो दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग हमारा उसको हम कहते हैं हॉकाई और इसकी जो खास बात है वो ये है कि जी एक विजुअल होगा ऑडियो विजुअल होगा और आप लोगों को बताना ये होगा कि आगे क्या होता है वीडियो दिखाएंगे और उसमें बेसिकली बजर राउंड है सो जो पहले बिल्कुल जो पहले बजर बजाएगा उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और चार रन्स जो जीतेगा उसको चार रन्स चौका बाउंड्री होगी और अगर जिसने पहले दबा दिया लेकिन वो गलत बता रहा हो जी हाँ, तो अगले बंदे ये भी है ये बताने लगी हूँ सबर करें अगर आपसे अगर आपने बजर बजाया और गलत बताया तो वहाब को बेसिकली मिलेगा पॉइंट मिलेगा नहीं पॉइंट नहीं मिलेगा वहाब को फ्री हिट मिलेगी वहाब को सही जवाब देने का छह रन मिल जाएंगे सो अगर आपने अभी पहली फ्री हिट चाहिए मैं नहीं दोबारा अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा पहले पहला जो हमारा जो पहला क्लिप है देखते हैं ओह नो अंपायर्स आर गोइंग टू डिस्कस नाउ द स्पिरिट ऑफ द गेम एंड द उसने नेक्स्ट आउट है ये मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसमें होता क्या आगे क्या किस तरह आउट है ये उसने हमारा ना विकेट को मारा उसने रन आउट कर दिया उसको तो मैच में क्या हुआ था व्हाट हैपेंड जिम्बाब्वे जीत गया था चलो दिखा दे इनको फुल विजुअल दिखा दे जरा यस ये रन आउट है ओह नो दे डिस्कस नाउ
given up. So the West Indies. ये वर्ल्ड कप में याद है ये जो अंडर 19 का हुआ था उसमें ये बड़ा इशू हुआ था मैन किडिंग का कि उसने नॉन ये वेस्ट इंडीज ऐसा गलत जिम्बाब्वे जीतेगा हाँ ये भी वैसे गलत था आ यस छे आए मैं समझ रहा हूँ ये श्रीलंका की टीम है अभी ये नजर भी नहीं आ रही ये गलत बात है मेरे 6 पॉइंट अभी श्रीलंका जिम्बाब्वे के ऐसे हुआ है श्रीलंका और जिम्बाब्वे के मैच में अभी ऐसे हुआ था और जिम्बाब्वे मैच जीता था वो क्या होगा होस्ट चेंज करें सवाल ही गलत किया हमारे से कौन जीता है व्हाट नेक्स्ट था राला उठा जा रही है वो पूछा ये क्यों पूछा मैच जीतेगा 6 पॉइंट आया मुझे नहीं पता और उसका एक रीजन भी है आपको भी आना चाहिए कैश ड्रॉप है सही पैसे ये तो बड़ा फेमस है तुम मजे नहीं बताया ये देख लो क्या होता है हां ड्रॉप है सही भाई साथ होंगे ये तो मुझे ही पता था इट्स हाई नाउ समवन सेटलिंग अंडर इट एंड वुड यू बिलीव इट रियली वुड यू बिलीव दैट Not if you saw it 15 times. Batsman had a shocker the other night. He dropped Chanderpaul twice. और जैसे कि आप दोनों ने देखा एक आपने क्लिप गेस किया एक आपने किया चार पॉइंट्स आपको मैं तो ये भूल गया था वरना मैं भी ये पहले ही दबा देता जब उसने शॉट मारा था मैं तो भूल गया था कि इसको भी दबाना है ट्रेन 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 करनी है और एट द एंड ऑफ दिस राउंड एज वी कैन सी आमिर के जो है 7 पॉइंट्स है वहाब के 6 पॉइंट्स है नेक टू नेक जो है बिल्कुल जा रहा है That we have is basically called Never Have I Ever. बहुत सी game shows में आजकल ये use किया जाता है. I'll be giving them different situations and they have to react to it. अगर किया है तो I have करना होगा. अगर नहीं किया तो never का जो play card होगा वो उठाना पड़ेगा. अच्छा जी. Amir and Wahab, are you ready? Never have I ever taken advantage of my celebrity status. यानी कि सेलिब्रिटी होने के नाते कभी आप लोगों ने फायदा उठाया है कि हाँ एक पॉइंट पे मैंने उठाया था कोई रेस्टोरेंट बुकिंग करने में या व्हाटएवर नो मेरी इंटेंट कभी नहीं रही दोनों कभी कभी नहीं है किया लोग बड़ा प्यार हुआ कि वो लोग खुद ही कर देते हमने कभी नहीं देखे नहीं कहा कि यार हाँ मुझे देख के ये कर देगा फेवर नहीं मांगा ये नहीं काम फोन करके मैं वहाब रियाज बात कर रहा हूँ मुझे नहीं तो आप भी फोन करके कहेंगे मैं ज़ैनब अब्बास बात कर रहा हूँ मैं क्यों इस तरह कहूँ अच्छा चले मैंने कहा सच्चाई अगली सिचुएशन गॉट एंग्री ऑन माई फैन एंड रिग्रेटेड इट लेटर कभी किसी फैन पे एंग्री हुए हो आई हैव आपका भी ऐसा हुआ कि किसी फैन ने ज्यादा तंग किया और आपने बदतमीजी से आके जवाब दे दिया और बाद में सोचा कि नहीं करना चाहिए कभी कभी किसी फैन से बदतमीजी नहीं की किसी ने कभी नैग नहीं किया तंग नहीं किया कभी किसी ने नहीं किया मुक्का मार देते ज्यादा गुस्सा आ जाता मेरा ऐसा ही होता है मैंने तो बोला है तो क्या इसमें ये कब हुआ था कई दफा होता है ना कि आप मतलब मैच से थके होते हो मैच खत्म होता है तो लोग मिल जाते हैं तो कई दफा ज्यादा एक्स्ट्रा पुश करने की कोशिश करते हैं तो आप आगे से आगे कहता हूँ हट जाओ यार क्या होगा क्योंकि बाद में बंदा कहता है कि यार मैं सोचता हूँ कि दफा कि नहीं यार इतने प्यार से आते हैं तो हाथापाई तो नहीं हुई ना कभी हाथापाई तो नहीं मेरी आएगी तो वही आएगी हाथापाई हुई ना तो मुझे ही मार पड़नी है सही अच्छा फेक्ट और एग्जैजरेटेड एंड इंजरी फेक्ट या एग्जैजरेटेड एंड इंजरी कोई इंजरी हुई हो जिसको आपने थोड़ा एग्जैजरेट किया थोड़ा लीवे लेने के लिए या You know, कभी रेस्ट चाहिए हो बहुत जब भी गया हूं, दो तीन अब इस शो में तो बैठ के नहीं आप ये बोलोगे कि आपने ये किया नहीं ना है ही नहीं मेरी होती है इंजरीज बहुत कम हुई है जितनी हुई है वो सारी स्मेयर हुई है चले ठीक है जी आखिरी राउंड एंड दैट्स देन इट्स अ रैप आफ्टर दिस थ्री राउंड जो है उसको हम कहते हैं सुपर ओवर
ठीक है और सुपर ओवर में ये है कि मैं आपको एक किसी प्लेयर का क्लूज दूंगी और आपने 6 क्लूज है ठीक है आपने उन 6 क्लूज में गेस करना है कि मैं किस प्लेयर की बात कर रही हूं अगर छठे क्लू पे गेस किया आपको 6 पॉइंट्स मिलेंगे पांचवे क्लू पे गेस किया 5 पॉइंट्स मिलेंगे 4 3 2 1 इस तरह होता जाएगा ही मेड हिज डेब्यू अगेंस्ट इंग्लैंड इन 1982 इन द इनॉग्रल टेस्ट ऑफ श्रीलंका सुन ले अपना उन्होंने डेब्यू किया इंग्लैंड के खिलाफ 1982 में इन द इनॉग्रल टेस्ट ऑफ श्रीलंका श्रीलंका का ठीक है वो पहले बल्लेबाज थे जिन्होंने 4500 रन से ज्यादा बनाए नंबर 5 पे बैटिंग करते हुए ओडीआईज में ठीक है 4500 रन ODI. He was the first batsman to score 4,500 runs plus runs batting at number 5. Pakistani batsman tha. Maine aapko pehla clue diya tha. He made his debut against England in the test of Sri Lanka. Okay. So he's okay. Woh Pakistani player kaise ho sakta hai? Ye main pehle Sri Lanka ka. Sri Lanka ka main pehla question. This Sri Lankan legend is also known as Captain Cool. जो मुझे समझ आती है राणा टुंगा वेल डन एक्सीलेंट क्योंकि आपने जो है तीसरे क्लू पे किया तो आपका बेसिकली 4th clue, sorry, तो आपको 4 points मिले और अगला जो clue था वो यही था as a captain he's won 12 tests for Sri Lanka he served as deputy minister of tourism and he was the captain of Sri Lanka in World Cup 1996 round में basically आमिर बहुत-बहुत मुबारक हो आपको कामयाबी हासिल हुई आपको basically मिले हैं 4 points क्योंकि आपने 4th clue पे जो है guess किया है overall जैसे कि आपने देखा सबने overall score जो है 11-6 है जिसका मतलब ये है हमारे आज के winner है मोहम्मद आमिर क्या मैं और ये दोस्ती की हग अच्छा ये बताइए कितनी खुशी हुई आपको ये कंपटीशन जीत थोड़ी सी भी नहीं थोड़ी सी भी ज्यादा मैन ऑफ द मैच जीतने से ज्यादा खुशी हुई है ये तो मानना पड़ेगा नहीं नहीं जीत जीत होती है जैसी भी हो और वहाब अनफॉर्चुनेटली आप नहीं जीत सके लेकिन आप जो है अपील कर सकते हैं खुश लग रहे हैं और ये था पहला एपिसोड सवाल क्रिकेट का आई होप आप सबने एंजॉय किया हो और जैसे कि हमने शुरू में अनाउंस किया था बिकॉज सवाल क्रिकेट का इज प्रेजेंटेड बाय ब्राइटो पेंट तो उनकी तरफ से कुछ एक गिफ्ट है विनर के लिए जो है 1,00,000 वर्थ का ब्राइटो पेंट आप नया घर जब लेंगे तो उसमें आप ब्राइटो पेंट इस्तेमाल कर सकते हैं एंड रनर्स अप के लिए भी ब्राइटो पेंट है 50,000 का आपके लिए कभी अपने घर को पेंट करना तो ब्राइटो पेंट को जरूर याद रखें आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया उम्मीद यही करते हैं कि आप लोगों ने ये एपिसोड एंजॉय किया होगा अंटिल नेक्स्ट टाइम इट्स गुड बाय खेलो टेंशन फ्री वॉल्स स्टेन फ्री ब्राइटो पेंट्स उन गर्मी में आप अपनी कमर तोड़ रहे होते हैं वाकई गर्मी यहाँ पे थोड़ा सा मौसम ज्यादा गर्म है और मोइन खान ने 60 रन किए थे आखिर में मुझे हिंट दे रही है मैं बता दूं आपको मैंने कहा छोड़ दे आने दे और ये हुआ और ये हुआ अभी क्रश की बात हो रही है ना क्रश मीन ओ यार बताओ पसंद आई या नहीं आई कभी